अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब खैर खरीत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ब्रेकी टैबलेट के बारे में, जिसकी फार्मूलेशन मिसोप्रोस्टोल है। ब्रेकी टैबलेट यानी मिसोप्रोस्टोल किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है और इसके कौन कौन से फवाद हैं, और आप इस टैबलेट के थ्रू किस तरह 2 माह तक का अमल ज़ाया कर सकते हैं, और ये सब जानने के लिए मेरी इस वीडियो को गाइस एंड तक ज़रूर देखें। और इस टैबलेट के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेडिसिन के मतलब ऐसी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ब्रेकी टैबलेट यानी मिसोप्रोस्टोल किन कंडीशन में इस्तेमाल करवाई जाती है? वो कंडीशन गाइस ये हैं, मैदे के अल्सर के लिए इस्तेमाल होती है, अबॉर्शन यानी अमल ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, और लेबर पेन इंड्यूस्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और स्पेशली पेन किलर जैसा कि नेप्रोक्सन, डिक्लोफेनिक, एबोबरफीन वगैरह जैसी मेडिसिन इस्तेमाल करने से स्टमक अल्सर यानी मैदे का अल्सर का पैदा होने का ख़तरा होता है, और कुछ लोगों में पहले ही स्टमक अल्सर होता है। इस मसले पर काबू पाने के लिए पेन किलर के साथ मिसोप्रोस्टोल यानी ब्रेकी भी इस्तेमाल करवाई जाती है, ताकि उनको स्टमक अल्सर से बचाया जा सके। ब्रेकी टैबलेट के इस्तेमाल से स्टमक यानी मैदे में एसिड यानी तेजाब बनने का प्रोसेस कम हो जाता है और कम एसिड बनता है, और इस तरह पेशेंट को स्टमक अल्सर से बचाया जा सकता है। और अगर प्रेगनेंट औरतें अपना हमल ज़ाया करवा चाहती हैं तो 2 माह तक का हमल इस टैबलेट के ज़रिए ज़ाया कर सकती हैं, क्योंकि ये टैबलेट दुनिया भर में हमल ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये टैबलेट 4 घंटे के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट कर देती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस टैबलेट का तरीका इस्तेमाल कुछ यूँ है कि 3 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम बाई माउथ, और 3 टैबलेट जाने के अंदर इंसर्ट करनी है। और अगर एक ही डोज में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। अगर ना हो तो डोज़ को रिपीट कर सकते हैं। इस टैबलेट को अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर, इस टैबलेट के बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिनमें मोशन, चक्कर, उल्टी आना, पेट दर्द और सर में दर्द और कब्ज़ भी हो सकती है। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट्स सेक्शन में आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।